अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। बंजर हिल पुलिस स्टेशन हुदूद एनबीटी नगर इलाके में एक शख्स की तबीयत खराब होने से उसकी मौत वाकई हो गई सड़क पर, लेकिन एम्बुलेंस की लापरवाही की वजह से उसकी मौत वाकई हो गई। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बंजर हिल पुलिस स्टेशन हुदूद एनबीटी नगर इलाके में रामलू नामी करीब 60 साल रास्ते पे चलते हुए अचानक गिर गया। उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। राहगीरों ने फौरन एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन एम्बुलेंस को आने के लिए बहुत देर लगी। तब तक रामलू की मौत वाकई हो गई थी। बहाना ये बनाया गया कि ट्रैफिक थी, इसीलिए हम देर से आए। बड़े बड़े वादे और दावे करने वाली हुकूमत, जरा ये मंजर को देखें, समझ में आएगा कि अभी तक आपने क्या अच्छे काम किए हैं। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को लगाया गया, लेकिन सुबह से शाम तक वो अपनी जेबें भरकर करप्शन में इजाफे कर रहे हैं। लैंड ऑर्डर को जुर्म रोकने के लिए और उसको मिटाने के लिए अच्छी सैलरी तनख्वाह दी जा रही है, लेकिन वो उतना ही मुलविस रिश्वत लेने में और सच को झूठ, झूठ को सच बनाने में लगा हुआ है। जिनकी जो जिम्मेदारी है, जिस काम के लिए उनको रुपये दिए जाते हैं, हमारे जेब से लेकर उनको रुपये दिए जाते हैं, बावजूद इसके हमारा कोई मसला हल नहीं हो रहा है। ये बात को समझने की और सोचने की जरूरत है। बहरहाल फिर एक बार ये बात साबित हो गई है कि गरीब के लिए न हुकूमत है न उसके लिए कोई सहूलत है। शेख शफी के साथ में शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। ఆయన 1 అవర్ 2 అవర్స్ తర్వాత వచ్చింది, చాలా లేట్గా వచ్చింది, దానివల్ల అతను చనిపోయాడు, ఇది కరెక్ట్ కాదు అనిపించింది। हाँ बोलो बोलो।